आप ले तो लेते हो उधर सुपरमार्केट से, इतने का प्राइस कुछ और रहता है। जब जाके काउंटर पे दिखाते हो, मैंने पूछा भाई एक प्राइस कितना है, बोला 3 केडी। बोला नहीं चाहिए, रख लो। नहीं चाहिए 3 केडी यानी 500 रुपये का 12 अंडा। पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या? 512 अंडा 60 रुपये में इंडिया में पूरा एक दर्जन खाते है। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि हमारी वीडियो का रिएक्शन देखा जा रहा था, हमने भाई लोगों के ऊपर वीडियो मतलब बनाते हुए डाला था। और तो अभी अभी सीन ऐसा है कि यहाँ पे वीडियो डाल दो भाई, भाई का सैलरी आ गया है, तो वेरी हैप्पी। सबसे सैलरी गॉट या सही है भाई। खाता हूँ, सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाला हूँ लिप्टी पीस। मेरी बेटी बोलती है अब लिप्टी पीस, तो आई एम गोइंग टू हैव सम लिप्टी पीस। अनु क्या ही बताएं आपको, सुपर टेस्ट रियली। मैं बना लेता भाई अच्छा खासा खाना और चिकन। आज बना है मेरे यहाँ पर, ये है साबूदाना की खिचड़ी, मैंने अपने हाथों से बनाई है, और ये है टी, और वहाँ पे रखा हुआ है बचा हुआ। पहले इसको हजम करेंगे। तो अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है भाई साहब छुट्टी, तो आज मजे करने वाले हैं। आज ग्रैंड कोस्ट तो वापस जाएंगे, जो गरीबों का मसीहा है पहली बात तो, फिर उसके बाद में क्या सिनेरियो होगा आप लोग के साथ में बने ही रहेंगे मेरे। तो पहले वीडियो भी एडिट करके जाना है जो कल हमने मतलब बनाया है, फही का सॉरी मंगाव का। इसके बाद में आगे होगा इंतजार कि क्या सिनेरियो है, कैसे करना है। तो पहले अभी इसको खाते हैं, लगी है बहुत सारा भूख क्योंकि कल रात को खाना नहीं खाया था। वो दो पराठे से कुछ होता नहीं है मेरा, तो पहले खाते हैं फिर बात। तो भैया हो गया कार्यक्रम खत्म। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज का व्लॉग आपने स्टार्ट तो कर दिए। आज मैंने साबूदाना बनाया था और खाया, बात भी किया घर पे, ये काम हो गया। अब इसके बाद में पहले वीडियो एडिट करूंगा कल वाली, उसको अपलोड कर दूंगा, फिर इसके बाद में ये नया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं हूँ शशिकांत, रहता हूँ मुंबई से और आया हूँ कुमेत में पैसे कमाने के लिए। हाँ, हालांकि साइड बाई साइड स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो कि जिसे कहते हैं यूट्यूब चैनल, एज अ ब्लॉगर अपने आप को देखना चाहता हूँ। आज से 3-4 साल बाद मैं एज अ बिकम गुड इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, और पता नहीं आप लोग के हाथ में, आप लोग किस तरह सपोर्ट करोगे और मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूंगा। तो चलिए जाते हैं सुपर मार्केट, और क्या क्या सिनेरियो, क्या क्या करना बाकी वो पूरा एक्सप्लोर करते हैं। भाई गरीबों का मसीहा है कुवैत में सुपरमार्केट, सुपरमार्केट यानी कोस्टा, वहाँ पे ही सब कुछ सामान मिलता है जो कि आप अपने सस्ते प्राइस में खरीद सकते हो। अगर बकाला से लोगे जो सामान वहाँ पे 200 में मिलता है, यहाँ पे मिलेगा 250 300 फिल्स में मिलेगा। तो समझ जा रहे हो, आपके एक 50-50 फिल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, इतना अच्छा ज्ञान बांट रहे हो आप कुवैत में रहकर। सही है, कुवैत की लाइफ ऐसी होती है, तो जी लो जिंदगी को। चलो हम चलते ना 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 ना। हैप्पी क्यों, बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आज छुट्टी है यार। कौन बोल रहा है?
तो अभी अभी सीन ऐसा है कि यहाँ पे वीडियो डाल दो भाई का भाई बहुत मजा आ रहा है लोग का वीडियो में देख के, तो भाई का पूरा प्रैंक बन गया है। बहुत मजा आ रहा है आज के इस ब्लॉग में। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि हमारी वीडियो का रिएक्शन देखा जा रहा था, हमने भाई लोगों के ऊपर वीडियो मतलब बनाते हुए डाला था और बहुत मजा आया। हाँ सर के, तो अभी ये लोग जस्ट हेड ऑफिस से आए, इनकी सैलरी आ गई फाइनली कितने दिन के बाद में, आज कितनी तारीख हो गई, 29 हो गई। और ओ ओ पैसा पैसा सैलरी आ गया है, तो वेरी हैप्पी सबसे सैलरी गॉट ओ सही है भाई। तो भाई साहब ये है मेरा कॉफी और ये है मेरा नाश्ता, ज्यादा हो गया था मैंने बना लिया था, तो फिर साबुदाना अभी भी बच गया है तो मैं सोचा खा लेता हूँ। और तो मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूँ एक बंदे को अभी फोन करने के लिए जो रिसेंटली अभी इंडिया से कुवैत में आया है। सो आई हैव सम इंफॉर्मेशन, सो आई वॉन्ट टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट ई वीजा के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ई वीजा आएगा, कैसे आते हैं, उसका क्या सिनारियो है, सब कुछ, तो मैं उनसे बात करूंगा और पूछता हूँ कि क्या हाल है, क्या हाल चाल रही है। ओके, फिर इसके बाद में आप उनको मार्केट जाना है। ओह माय गॉड, पता तुमको अभी जस्ट टॉक खत्म हुआ और मैं बात करते करते सीधा किधर पहुंच गया, देखो ग्रैंड कोस्टो के पास में। क्यों? क्योंकि मैं उस बंदे से बात कर रहा था जो अभी दो दिन या तीन दिन पहले, तीन से चार दिन पहले ही आया है इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पर। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग, और पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है भाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, पीसीसी का क्या सिनारियो हुआ और वीज़ा का कैसे आना हुआ कंसल्टेंसी के थ्रू, ये सब मैंने पूछ लिया है। तो उसके ऊपर वीडियो बनेगी, आराम से घर पे बैठ के बात करेंगे। अभी तो अपना ब्लॉग टाइम चालू है, तो ब्लॉग को एंजॉय कर दे। आई लव यू जिंदगी, आई लव यू जिंदगी। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है। का बादाम और हाँ बादाम 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 अड़ी काजू अंकल, ठीक है एक केड़ी का काजू भी दे दो आप। फिल्स का अखरोट, यस अखरोट भी चाहिए, 500 फिल्स का ही ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। चलो सही है, मगर जब हम इंडिया जाएंगे तो हम लुलू को शॉपिंग करने जाएंगे, तब तक
यहाँ से ही छोटा मोटा चॉकलेट का शॉपिंग कर लेते हैं। कितने का है भाई? एक के डी 80, कितना ग्राम है? 400-500 ग्राम। काजू भी आ गया, मेरा ये भी आ गया, दोनों का। इसका एक के डी 30, 300 ग्राम। चलो अपनी ट्रोली हम लेके चली। ये तो हमें देना पड़ेगा, कितने ग्राम? वेजिटेबल चैंपियंस है सब। चैंपियंस वेजिटेबल भाई, मुझे लेना है मेरा लगान स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पानी की तरह बाबा, कोकोनट पानी की तरह बाबा, कोकोनट पानी, कोकोनट पानी, ये कोकोनट वाटर जो बनाएगा हूँ जी, कोकोनट वाटर। तो अपने को मिल्क नहीं चाहिए, मिल्क ऑलरेडी है, और भी बिस्किट चाहिए। लेस चलो भाई ये ले लेते हैं, और तो भाई के पास था सामान। इस ट्रॉली को बोलते हैं बाय 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 ट्रॉली, यहाँ पे खड़ा कर देते। तो ये 3 बैग बन चुका है मेरा, अब इसको लेके जाना है अपने अकोमोडेशन पे। तो अभी जाते हैं पहले अपने अकोमोडेशन पे, बहुत ज़्यादा वजन हो गए, पानी भी ले लिया। तो मिलते हैं अभी आपको सीधा अकोमोडेशन पे, फिर वहाँ पे अपना वीडियो भी एंड करेंगे, और आज बनाने वाला स्पेशली चिकन। तो वेट करो ब्लॉग का पूरा। साला मेरा एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाता है, 12 किलो वाटर लेके आया, मतलब 12 लीटर वाटर लेके आया, 1 किलो के बराबर होगा जो कि, और लेके आया मैं सामान अपना, जो मंथली खर्चा होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका देख रेख करना। तो मैंने ज़्यादा बचा के फिर भी 7 KD का बिल बन गया। अंडा बहुत महंगा, 3 KD का अंडा बना दिया, मतलब रखो इसको, नहीं चाहिए मैं दूसरा वाला लेता हूँ। फिर दूसरी कंपनी का लिया, वो थोड़ा सस्ता वगैरह 1 KD का, तो बहुत महंगे। आप लोग आना तो भाई साहब सामान का आप ले तो लेते हो उधर सुपर मार्केट से, इतने का प्राइस कुछ और रहता है। जब जाके काउंटर पर दिखाते हो, मैंने पूछा भाई एक प्राइस कितना है, बोला 3 KD, बोला नहीं चाहिए रख लो, नहीं चाहिए 3 KD, यानी 500 रुपये का 12 अंडा। पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या? 512 अंडा 60 रुपये में इंडिया में पूरा एक दर्जन खाते हैं। इसलिए रखवा के मैंने दूसरा लिया, मगर ऑर्गेनिक वाला लिया जो मेरे को चाहिए था। 12 पीस मिला है 600 पील्स में, तो ये मेरे लिए बेटर पड़ा, राइट? तो आप भी भाई साहब देख के सोच समझ के करना, सोच समझ के लेना जनाब। अब हम आपको बता दें कि हमने सच में लाजवाब चिकन बनाया है विथ कैशियो वगैरह डाल के, और ये हमारी धनिया स्टफिंग रेडी है जो कि उसके ऊपर स्टफ किया जाएगा, तब जाके खाने का जो टेस्ट होगा ना, छुट्टी के दिन लगेगा कि यार हमने बढ़िया खाना खाया है। तो जिसका वेट कर रहा था उसकी स्मेल ले लीजिए, पहले उसकी खुशबू से उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ, तो दैट बढ़िया है। सुपर टेस्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारी चिकन बन गई है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद चैन से करेंगे। तो दोस्तों वक्त आ गया है इस वीडियो को समाप्त करने का, क्योंकि अभी तक जो सिनारियो था, हम सुबह उठे, नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद में घर वालों से बहुत सारा बात किए, अभी के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, फिर उसके बाद में क्या हाल चाल है। अभी जस्ट न्यूज़ को स्क्रॉल कर रहे थे तो पता लग रहा है कि हमारे महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे जी अपने CM पद से इस्तीफा देने वाले हैं। तो ये सब कुछ सिनारियो एक बार देख लिया करते हैं हम कि मुंबई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो जो भी होगा अच्छा होगा, ये राजनीति में हमें तो पढ़ना नहीं है। सो नेक्स्ट, आज एक दोस्त से बात हुई भाई साहब, हमारे सब्सक्राइबर से, जिन्होंने जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, भाई साहब मिलकर यानी वर्चुअली मिलकर और उनसे बात कर बहुत ही अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि यार बंदे में दम था, बंदे में ग्रो करने का भी मन है, बंदे को आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छी
बातें चीज शेयर की है हमारे साथ में। हमने काफी देर तक बात किया और मैं बात करते करते कोस्ता भी पहुंच गया, मुझे पता ना चला। चलो मेरी शॉपिंग तो बाकायदा अच्छी सी हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया ही था यार। और अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे मुझे देख रहे हो, मैं कुवैत एक्सप्लोर कर रहा हूँ धीरे धीरे, जितना भी समय मिल सकता है उतना समय आप लोगों के साथ में हूँ। और अच्छा लग रहा है यार आप लोग देख रहे हो वीडियो को, सबसे अहम बात और है। और अहम बात आप लोगों से एक चीज़ और बता दूँ यार, कुवैत में आने के बाद में आप भी उन लोगों की तरह मत हो जाना, स्टिक हो जाना कि 10 साल 7 साल 15 साल। एक बंदे ने मेरे को एक अजीब स्टोरी सुनाई जो थोड़ा सा मुझे हैरान कर दिया, मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया यार। वो बता रहा था कि भाई साहब हमारे गांव में एक बंदा रहता था जो कि सऊदी की दुबई कहीं तो रहता है, और उसने अपने ज़िंदगी के 16 साल की 17 साल गुजार दिए गल्फ कंट्री में। जब वो यहाँ से जाता है तो उसके मतलब जो उनके जहाँ पे वो रहता है उनके आसपास के जो लोग हैं उन्हें पहचानना बंद कर दिए। उनको पूछा जाता है कि भैया आप कौन से घर के हो, भैया आप कहाँ रहते हो। तो ये अजीब सा वियर्ड था फीलिंग था यार, हमारा ही घर हमें पूछा जा रहा है कि आप कौन से घर पे रहते हो। ऑब्वियसली यार जिस जगह पे आप नहीं रहोगे ज़्यादा तो वहाँ के लोग आपको कैसे ज़्यादा पहचानेंगे, कैसे मानेंगे। तो ये सिनारियो हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि यार अपने साथ में भी कुछ ऐसा हो। मेरे को जाने यार लोग, दैट्स व्हाई आई जस्ट हसलिंग ऑन अनदर साइड ऑफ यूट्यूब, और यूट्यूब की वजह से इतना सारा प्यार सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की वजह से, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच यार देखने के लिए, अपनी जिंदगी में मेरी लाइफ का पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच। हो सके तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो आपका पैशन है, जो चीज आप करना चाहते हो। मैं कितनी बार बताऊँ यार, यस आज के टाइम पे अगर आपको ग्रोथ चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एक्नॉलेज हो, चाहे वो किताब से पढ़ना हो, आपको जिंदगी में किसी भी चीज से आगे बढ़ना है तो आपको साइड हसल करना पड़ेगा। समझ लो आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो आपके साथ में यूट्यूब चैनल, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, मगर पार्ट टाइम ऐसा जॉब करना जो आपको सपना है, आपका ड्रीम है। किसी को IPS बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, तो भाई साहब साथ में उसकी पढ़ाई करना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों की स्टोरीज मूवीज मैं ऐसा देखा है, और भाई होता है। और कुछ मूवीज तो मुझे इंस्पायर भी कर गई है अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। यूट्यूब ही नहीं, यूट्यूब तो मेरा 2016 से मेरा पैशन बना, मगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ फिर छोड़ दिया, मगर धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम हुआ फिर छोड़ दिया, मगर मैं है ना कंसिस्टेंसी टिका रहा। अगर मैं छोड़ दिया होता तो शायद मैं आज आपके साथ में बात ही नहीं करता, और आपके साथ में आपके पास पहुँच ही नहीं पाता। अगर मैं 2 दिन वीडियो नहीं बनाऊं, आई अंदर से एंजाइटी होने लगती है, अरे यार आज मैंने बात नहीं किया, आज मैंने बोला नहीं। सबसे ज़्यादा फर्क किसे पड़ता है पता है क्या, मेरी मम्मा को पड़ता है, एंड मेरी फैमिली जो मेरी वाइफ है एंड मेरी सिस्टर है, वो लोग देखना पसंद करते हैं, भाई आज तेरा वीडियो नहीं आया। और जब वो लोग पूछते हैं यार वीडियो नहीं डाला, भले से उनको समझ में आए ना आए, बस दे आर इंटरेस्टेड टू मी, दे आर दे वॉन्ट टू नो कि क्या कर रहा है मेरा बच्चा, क्या हो रहा है वहाँ पर, इसमें क्या चल रहा है। तो ये सब उनको मैं हर बार यार वीडियो कॉल पे तो नहीं बात कर सकता, इसीलिए जस्ट बनाया वीडियो और डाल दिया, और भगवान की कृपा से आप लोग देख रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है यार। मोटिवेटेड फील करता हूँ कि और वीडियो डालूंगा। आज तो सुबह मॉर्निंग में ऐसा सिनारी हो गया, ये लोग मेरी जो हम लोग ना बहुत मजा आ रहा था यार, ये लोग है ना, ये जो मेरे कंबाइन जो कमरे में रहते हैं दो श्रीलंकन, उन लोग का मैंने थोड़ा सा पार्ट शूट किया हुआ था। वो पैसे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जाइए पैसे वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर जिसको हिंदी नहीं बोलने आ रही थी वो खुद बोला कि वीडियो डाला, बोला हाँ, वो खुद देख के हंस रहा है और आई यूज्ड टू लाफिंग। तो मैंने कुछ कैप्चर किए हुए मोमेंट, वो देखना आपको बहुत मजा आएगा। और सच में मेरी वीडियो को मतलब अपनी खुद की वीडियो पे रिएक्शन करना क्या अजीब बात होती है। आई होप सो कि कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, और लाइफ में कुछ भी करो यार, कुछ भी करो अपने पैशन को जरूर पूरा करना। और जो चीज़ आपने मतलब सोचा है ना कि जिंदगी में मेरे को ये करना है, मगर वो बुढ़ौती में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पास में टाइम था, मेरे पास में सब कुछ था, मैं जानता भी था, मगर कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं दोस्त बोलेंगे क्या कर रहा है, कहीं रिलेटिव बोलेंगे ये क्या करने लग गया है, तो उन सब की वजह से जो मैं करना चाहता था अपनी इच्छाओं को मार दिया और बुढ़ा हो गया हूँ, और उसके बारे में सोचा अरे यार मैं जो करना चाहता था ये बंदा कर रहा है। तो ये फील है, और ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, पहले बता रहा हूँ, और मैं वो नहीं करूँगा, वो रिग्रेट वो फील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो क्रिएशन लाइन में था, मेरे को वीडियो बनाना था। थैंक यू। और मेरी कल को बच्चियां जब बड़ी होंगी बोलेंगी पापा पहले कैसा था, मैं उनको दिखा भी सकता हूँ,
मैं अपने अभी अभी तक मेरे पास में मेरे पापा का बचपन का फोटो नहीं है कि भले से उस समय कुछ नहीं था मगर मेरे पास में मेरा बचपन का पूरा चलता फिरता वीडियो रहेगा यार। मेरी बच्चियां कितना खुश होंगी, पापा यू आर लाइक दिस, पापा यू आर लाइक दैट, व्हाट आर यू डूइंग, मस्ती क्या करते थे तुम, तो बहुत मजा आने वाला है वो सब रिएक्शन, जो मेमोरीज है फैमिली के साथ में, वाओ कितना मजा आने वाला है। जब धीरे धीरे मेरी बेटी जो बड़ी होगी जानने लायक होगी तब कितना मजा आएगा, तब तो रिएक्शन वीडियो तो बनेगी भाई। आज से अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4-5 महीने की बात कर रहा हूं, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद जब हम अपने आप को देखेंगे इस कैमरे के थ्रू और ये जो यादें बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए, जब ये यादें ये जो पूरा फ्रेम जो जमा कर रहा हूँ मैं वीडियो के थ्रू, वो कितना मजा आने वाला, कितना अमेजिंग होगा भाई, इसके ऊपर इंतजार करना, उसके लिए जरूर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। अभी तो जाने के बाद मैं जरूर बनाऊंगा रिएक्शन, क्योंकि होली का वीडियो बनाऊंगा, मेरी बेटी छोटी थी और अभी थोड़ी थोड़ी खेल रही है, कूद रही है, पापा बुलाती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसका जब छोटेपन का रिएक्शन का वीडियो उसका जब रिकॉर्ड करूंगा ना तो भाई साहब क्या बात ही होगी, तो बहुत मजा आने वाला है। चलो बस यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। अगर आपके पास में भी कोई सपना है, कुछ बनना चाहते हो, साइड हसल करना चाहते हो, खुद का छोटा सा बिजनेस ओपन करना चाहते हो, भले से वड़ा पाव समोसा पाव बेचना चाहते हो, चाय का ठेला लगाना चाहते हो, अगर चाय का ठेला लगाना चाहते हो, चाय से ज्यादा इंस्पायर हो तो प्लीज MBA चाय वाला की वीडियो देख लो यार, आपको ऐसा बिजनेस का नॉलेज देगा ना आपने सोचा नहीं होगा। बस बहुत ज्यादा ज्ञान बांट लिया, अब मेरा खुद का भी कुछ ड्रीम है, उसको भी मुझे पूरा करना है, एंड ये तो पैशन पूरा कर रहा हूँ, ड्रीम भी होते हैं यार कुछ, तो वो भी पूरा करेंगे जल्दी इंशाल्लाह। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बस दिल से शुक्रिया। अब वीडियो समाप्त करेंगे, आपको कल एक वीडियो आने वाली है इलेक्ट्रॉनिक वीजा के ऊपर, क्या प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, तो वेट करिएगा कल के लिए। थैंक यू सो मच दिल से शुक्रिया, लव यू ऑल, अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए, बाय, टेक केयर। तो भैया अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज जल्दी कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है यूट्यूब पर आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अभी बहुत सारी सेटिंग्स मेरे को करना बाकी है, मैंने किया नहीं है, अपने चैनल पर जल्दी कर दूंगा। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मिलते हैं तब तक के लिए, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा कि खाने से पहले चिकन की कुछ तारीफ कर लेते हैं, तो चिकन को हमने प्लेट में रे रखा है, आप थोड़ा इसका इंतजार कीजिए। कैसे करते हैं वो ऐसा, कैसे करते हैं? मेरा देख के मेरी बेटी भी करने लगी, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो सिनेमेटिक का शॉट। ओके, ऑल राइट आवाज आ रही है अभी, ओके, तो मैं क्या